नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इंडियन रेल पर। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों आज हम बात करेंगे लश्कर एक्सप्रेस के बारे में। इस ट्रेन का नंबर है 12162। ये ट्रेन आगरा से मुंबई के लोकमान्य तिलक टर्मिनल के बीच में चलती है। दोस्तों इसका ट्रैवल टाइम है 23 घंटे 25 मिनट का। 19 हॉल्ट है इस ट्रेन के और 1330 किलोमीटर का टोटल डिस्टेंस कवर करती है 56 किलोमीटर के पर आवर की एवरेज स्पीड से। दोस्तों ये आगरा से मुंबई के बीच में सिर्फ एक दिन चलती है, शनिवार को चलती है। इसके अलावा इसका इनॉग्रल रन जो है 14 नवंबर 1987 को हुआ था। इसमें अभी LHB रेक्स दिए गए हैं और इसे सेंट्रल रेलवे जोन जो है ऑपरेट करता है। दोस्तों इसके कोच कंपोजिशन की बात की जाए तो इसमें कुल 22 कोचिज़ हैं, जिनमें से 2 EOG कोचिज़ हैं, 3 कोचिज़ जनरल के हैं, 12 कोचिज़ स्लीपर के हैं, 3rd AC के 3 कोचिज़ हैं और 2nd AC का 1 कोचिज़ है और 1 पेंट्री कार है। दोस्तों इसमें आपको पेंट्री, ऑनबोर्ड कैटरिंग, ई कैटरिंग तीनों प्रोवाइड होती है और इसका जो रेक शेयरिंग है वो मुंबई लखनऊ सुपरफास्ट एक्सप्रेस से होता है, उद्योग नगरी एक्सप्रेस से भी होता है और इसके अलावा हबीबगंज मुंबई एक्सप्रेस से भी होता है। दोस्तों इसमें आगरा से मुंबई या भुसावल का वेब 4 लगता है। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं फेयर की। दोस्तों मैं आपको अभी जो भी फेयर बताऊंगा आगरा से मुंबई तक का बताऊंगा, बाकी आप अपडेटेड किराया जानने के लिए रेलवे की वेबसाइट ज़रूर रेफ़र करें। 2280 रुपये 2nd AC के कोचिज़ का किराया है, 3rd AC के कोचिज़ का किराया है 1595 रुपये, स्लीपर के कोचिज़ का किराया है 605 रुपये। चलिए दोस्तों बात करते हैं इसके रूट की, इसके टाइम टेबल की। तो आगरा से ये सिर्फ एतवार को चलती है। इसके अलावा आगरा छावनी से इसके निकलने का समय है हर एतवार को रात को 11:35 पे चलती है। उसके बाद मुरैना पहुंचती है 12:50 के करीब और 12:51 पे वहाँ से चल पड़ती है। इसका यहाँ पर 2 मिनट का स्टॉप है। उसके बाद ये ग्वालियर जंक्शन पहुंचती है 1:35 पे और 1:40 पे ग्वालियर से चल पड़ती है। इसका यहाँ पर 5 मिनट का स्टॉप है। उसके बाद ये डबरा में पहुंचती है 2:15 बजे और 2 मिनट के हॉल्ट के बाद 2:17 पे वहाँ से चल पड़ती है। उसके बाद ये झांसी जंक्शन पहुंचती है 3:25 पे और 3:35 पे झांसी जंक्शन से चल पड़ती है। उसके बाद ये बीना जंक्शन पहुंचती है सुबह में 6:10 पे और सुबह में 6:15 बजे ये ट्रेन बीना से चल पड़ती है। उसके बाद ये भोपाल जंक्शन पहुंचती है। भोपाल जंक्शन इसके पहुंचने का समय करीब सुबह में 8:05 पे और 8:10 पे ट्रेन भोपाल जंक्शन से चल पड़ती है। इसके यहाँ पर 5 मिनट का स्टॉप है। उसके बाद ये हबीबगंज में पहुंचती है 8:22 पे और 8:24 पे हबीबगंज से चल पड़ती है। इसके यहाँ पर 2 मिनट का स्टॉप है। उसके बाद ये इटारसी जंक्शन पहुंचती है रात में 9:50 सुबह में 9:50 पे और सुबह में 9:55 बजे ये इटारसी जंक्शन से चल पड़ती है। उसके बाद ये तिमरनी में पहुंचती है 10:36 पे और 10:37 पे ये ट्रेन तिमरनी से चल पड़ती है। उसके बाद ये हरदा में पहुंचती है 10:48 पे और 10:50 पे ये ट्रेन वहाँ से चल पड़ती है। इसका यहाँ पर 2 मिनट का स्टॉप है। उसके बाद ये खांडवा जंक्शन पहुंचती है खंडवा जंक्शन, इसके पहुंचने का समय है 12:57 पे और 1 बजे दोपहर में ट्रेन वहाँ से चल पड़ती है। इसके यहाँ पर 3 मिनट का स्टॉप है। उसके बाद ये बुरहानपुर पहुंचती है बुरहानपुर, इसके पहुंचने का समय करीब 1:58 पे और 2 बजे ट्रेन दोपहर में वहाँ से चल पड़ती है। उसके बाद ये भुसावल जंक्शन पहुंचती है 2:45 बजे और 5 मिनट के हॉल्ट के बाद 2:50 पे ट्रेन भुसावल जंक्शन से चल पड़ती है। उसके बाद जलगांव जंक्शन पहुंचती है 3:18 पे और 3:20 पे वहाँ से ट्रेन चल पड़ती है। इसके यहाँ पर 2 मिनट का स्टॉप है। उसके बाद मनमाड़ जंक्शन पहुंचती है 5:18 पे और 5:20 पे वहाँ से चल पड़ती है। इसके यहाँ पर 2 मिनट का स्टॉप है। उसके बाद नासिक रोड पहुंचती है, नासिक रोड ये 6:22 पे पहुंचती है और 6:25 पे वहाँ से चल पड़ती है। इसके यहाँ पर 3 मिनट का स्टॉप है। उसके बाद इगतपुरी पहुंचती है 8:07 और 7:50 पे वहाँ से चल पड़ती है। इसका यहाँ पर 5 मिनट का स्टॉप है। उसके बाद कल्याण जंक्शन पहुंचती है करीब 9:51 पे और 9:54 पे ट्रेन कल्याण जंक्शन से चल पड़ती है। इसके यहाँ पर 3 मिनट का स्टॉप है। उसके बाद ये थाने में पहुंचती है, थाने में ये करीब 10:20 पे पहुंचती है, 10:23 पे वहाँ से चल पड़ती है। उसके बाद अपने डेस्टिनेशन लोकमान्य तिलक टर्मिनल पहुंचती है 11 बजे और वहाँ पर जाकर अपना 1330 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर देती है। इसी के साथ ये वीडियो भी समाप्त होती है। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, इंस्टाग्राम पर फॉलो ज़रूर करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएँ। थैंक यू दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए।